हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आज का हमारा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस आधार पर बांटा गया है, सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू में जो जनरेशंस डिवाइड किए गए थे वो उसमें यूज होने वाले हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के आधार पर डिवाइड किए गए थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे सॉफ्टवेयर में भी डेवलपमेंट आया और उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के अकॉर्डिंग जनरेशन्स को डिवाइड किया गया। जैसे हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे के जनरेशन्स में जाते गए, ये कंप्यूटर्स ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते गए, ज़्यादा रिलायबल होते गए, फास्ट होते गए, ज़्यादा पावरफुल होते गए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इनकी कैटेगरीज। कंप्यूटर के जनरेशंस को वाइडली 5 डिफरेंट जनरेशंस में बांटा गया, जिसमें अलग अलग तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब्स उस समय प्रोसेसिंग के लिए यूज हुआ करते थे। ये ग्लास के बने होते थे और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह थी कि इसमें फिलामेंट होता था। यह हमारे जो बल्ब यूज होते थे पहले, उनकी तरह होता था और ये फ्यूज हो जाते थे। साथ ही साथ क्योंकि ये ग्लास के होते थे, इनके टूटने का खतरा भी बना रहता था और एक कंप्यूटर में हजारों इस तरह के वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे। अब यहाँ अगर हम देखें तो यह इमेज है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की। आप देख सकते हैं इसका साइज कितना बड़ा है। यह कंप्यूटर पूरे एक रूम के साइज को लेता था। इनमें देख सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स लगे हैं और ये हर वैक्यूम ट्यूब काफी पावर कंज्यूम करते थे और बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते थे। साइज भी काफ़ी बड़ी होती थी। साथ ही साथ इस तरह के कंप्यूटर्स, इस जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे। साथ ही इनको अनरिलायबल भी माना गया। क्यों? क्योंकि अगर इन थाउजेंड्स वैक्यूम ट्यूब्स में अगर कुछ वैक्यूम ट्यूब भी फ्यूज हो जाएं या टूट जाएं, तो हमें सिस्टम को स्टॉप करके फिर से उसे रीअसेंबल करना पड़ता था। इसके अलावा इस जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यानी 0101 का यूज किया जाता था। हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो फीड करते थे वह 0101 की सीरीज में होता था। इस कारण से इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए प्रोग्राम लिखना और उसका यूज करना बहुत ही मुश्किल था। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम इनपुट करते थे इसमें, उसके लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। लेकिन ये जो कंप्यूटर्स थे उस समय के फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस में एक था। ये कंप्यूटर 5000 एडिशंस पर सेकंड कर सकते थे या 350 मल्टीप्लिकेशंस पर सेकंड कर सकते थे। ये कुछ एग्जांपल हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ये इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वैक्यूम ट्यूब, जिसके बार बार फ्यूज होने या टूटने का खतरा होता था। इसलिए ये कंप्यूटर्स बहुत ही रिलायबल नहीं थे। फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जरूर था यह उस समय, फिर भी इसमें इम्प्रूवमेंट के बहुत स्कोप थे। तो यह इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की गई सेकेंड जनरेशन में। अब अगर हम देखें सेकेंड जनरेशन में, तो इसमें सबसे बड़ा जो मेजर चेंज आया वह आया इस यहाँ वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया गया। वैक्यूम ट्यूब ग्लास का होता था, टूटने का खतरा होता था, बहुत बड़ी साइज होती थी, बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था, लेकिन ट्रांजिस्टर मेटल का बना होता था, इसकी साइज भी कम थी, पावर भी कम कंज्यूम करता था। तो इससे बने हुए कंप्यूटर्स कॉम्पैक्ट थे फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। यहाँ अगर हम देखें तो यह इमेज है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का। आप देख सकते हैं इसकी साइज पहले से कम हो चुकी है।
तो ये जो ट्रांजिस्टर्स बने होते थे, ये जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता था। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी फर्स्ट जनरेशन के वैक्यूम ट्यूब से फास्ट थी, साइज छोटी थी, जिसके कारण कंप्यूटर्स भी हमारे कॉम्पैक्ट हुए पहले से। सस्ता था, ज़्यादा रिलायबल था, ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट था, यानी कम पावर कंज्यूम करता था, क्योंकि कम पावर कंज्यूम करता था तो हीट भी कम जनरेट करता था। इसके अलावा इस जनरेशन में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिवाइसेस का यूज किया गया। साथ ही इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में सेव किया जाने लगा। इसके पहले तक इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में सेव नहीं किए जा सकते थे। इसके अलावा इस जनरेशन में जो एक मेजर चेंज आया वह था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यानी 0101 में ही इंस्ट्रक्शंस फीड किए जा सकते थे, लेकिन इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज की शुरुआत हुई। असेंबली लैंग्वेज में 01 की सीरीज में कोडिंग नहीं की जाती थी, इंस्ट्रक्शंस नहीं लिखे जाते थे, वहाँ सिंपल इंग्लिश के कुछ कीवर्ड्स यूज किए जाते थे। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, यानी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते थे। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर प्रोग्राम लिखा गया है तो उस प्रोग्राम को सेम आर्किटेक्चर वाले कंप्यूटर पर ही चलाया जा सकता है। तो यह प्रॉब्लम उस समय थी, लेकिन उसी समय सेकेंड जनरेशन में ही हाई लेवल लैंग्वेज की भी शुरुआत हुई, जिसमें कोबोल, फोर्ट्रन जैसे हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप किए गए। इन हाई लेवल लैंग्वेज का बेनिफिट क्या था कि ये प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते थे, यानी अगर हम एक सिस्टम पर प्रोग्राम लिखें तो उस प्रोग्राम को किसी भी दूसरे आर्किटेक्चर वाले कंप्यूटर पर चलाया जा सकता था। तो ये डेवलपमेंट थी सेकेंड जनरेशन में। अब इसके अगर कुछ हम एग्जाम्पल देखें तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब आते हैं थर्ड जनरेशन पर। थर्ड जनरेशन में अगर हम देखें तो जो मेजर चेंज आया वह था इंटीग्रेटेड सर्किट का, यानी आईसी का। अब ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया गया आईसी से। आईसी एक ऐसा डिवाइस था जिसमें एक सिंगल सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स आदि इंटीग्रेट किए गए थे और उनको आपस में इंटरकनेक्ट किया गया था। ये आईसी SSI टेक्नोलॉजी के यूज किए गए। SSI टेक्नोलॉजी में 10 से 20 कंपोनेंट्स तक इंटरकनेक्ट किए जा सकते थे। तो स्टार्टिंग में SSI इंटीग्रेशन या SSI टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, लेकिन इसी में आगे चल के और इम्प्रूवमेंट हुआ और इसमें एक चिप पर लगभग 100 कंपोनेंट्स इंटरकनेक्ट किए जा सकते थे। तो इस टेक्नोलॉजी को कहा गया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन या MSI। आगे के जनरेशन में इसी में और इम्प्रूवमेंट हुआ जो हम आगे देखेंगे। तो थर्ड जनरेशन के कुछ फीचर्स अगर देखें तो यहाँ आईसी का यूज हुआ, साथ ही साथ ये कंप्यूटर्स फास्ट हुए, सेकेंड जनरेशन से छोटे हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में ये कंप्यूटर लगभग आज यूज होने वाले कंप्यूटर्स जैसे ही हैं। इनकी कॉस्ट कम हुई, कॉस्ट कम होने के कारण इनको और भी दूसरे जगहों पे यूज किया गया, बिजनेस में अदर एप्लीकेशंस का भी इसमें यूज किया जाने लगा। कीबोर्ड, मॉनिटर्स इस तरह के हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज शुरू हुआ। साथ ही साथ इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी इसी जनरेशन में स्टार्ट हुआ, यानी इस जनरेशन में कंप्यूटर्स बनाए और बेचे जाने लगे। जो प्राइमरी या सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम थे वो भी इस समय फास्ट हुए, इनकी साइज या कैपेसिटी बढ़ी। इसके अलावा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और भी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुए, जैसे पास्कल, बेसिक एक्सेट्रा। ये मशीन्स साइंटिफिक और कॉमर्शियल दोनों तरह के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते थे।
ये एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स का। अब अगर हम बात करें फोर्थ जनरेशन में, तो ये इसी का आईसी का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में अब एक सिंगल चिप पर लगभग 30,000 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगाए जाने लगे, जिसे कहा गया LSI टेक्नोलॉजी, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हुआ और VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का भी यूज हुआ, जिसमें लगभग 1 मिलियन कंपोनेंट्स एक सिंगल सिलिकॉन चिप पे लगाए जाने लगे, जिसके कारण इन प्रोसेसर की स्पीड बढ़ी, इनके ज़्यादा पावरफुल हुए। और आज जो हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज किया जाता है। तो ये हैं हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स या हैंडहेल्ड डिवाइसेस जिनमें प्रोसेसर का यूज किया जाता है, जिसके कारण हमारे कंप्यूटर्स स्मॉल हुए, पोर्टेबल हुए। जैसे लैपटॉप, जिसको एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सकता है, ये कम पावर कंज्यूम करने वाले हुए। जैसे लैपटॉप अगर हम देखें तो ये बिना पावर सप्लाई के, यानी ये एक बैटरी से भी चल सकते हैं। इनकी कॉस्ट कम हुई, स्पीड बढ़ी, साथ ही ये कंप्यूटर ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल हुए। इसके अलावा इस जनरेशन में GUI एप्लीकेशंस, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम या GUI एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी यूज हुआ। मेमोरी कैपेसिटी भी पहले से ज़्यादा बढ़ी। हैंडहेल्ड डिवाइसेस जैसे नोटपैड, लैपटॉप, इनका भी यूज बढ़ा। साथ ही साथ इस जनरेशन में कंप्यूटर नेटवर्क भी इमर्ज हुआ, जिसके कारण कंप्यूटर रिसोर्सेज को आसानी से एक दूसरे के बीच शेयर किया जा सकता था। अब आते हैं हम अपने फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स पर। इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, और इस जनरेशन में जो प्रेजेंट से लेकर ये फ्यूचर के हमारे आने वाले कंप्यूटर्स हैं, इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। अभी भी इसमें बहुत स्कोप बाकी है और इस तरह के कंप्यूटर्स को डेवलप किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं, ये कुछ ऐसे ही कंप्यूटर हैं जो वॉइस रिकॉग्निशन से काम कर सकते हैं। तो कई ऐसी कंपनीज हैं जो फिफ्थ जनरेशन में या AI पर काम कर रही हैं, जैसे IBM, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। ये इन कंपनीज ने कई सारे ऐसे डिवाइसेस बनाए हैं जो फिफ्थ जनरेशन के अंदर आते हैं। तो ये थे हमारे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जिनमें आपने अलग-अलग जनरेशंस को देखा, उसमें यूज होने वाली टेक्नोलॉजी को समझा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।